तो गाइज यार, हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें हमने दो गाड़ियों को दिखाया था और आपको बताया था कि ये गाड़ी भी मॉडिफाइड के लिए हैं और ये घोड़ा हैं। और वो गाड़ी आज फिलहाल पूरी तरह से अपडेट हो गई है और मॉडिफाइड हो गई है। उस वीडियो में आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट मिला, इसके लिए वो वीडियो हम दोबारा अपलोड कर रहे हैं। आज हम उस गाड़ी के बारे में दिखाएंगे और आपको बताएंगे क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, क्या बदलाव हुआ है और वो गाड़ी पहले थी। उसके पहले आपको मेरा पिछला वीडियो देखना होगा ताकि आपको पता चल जाए, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो देर किस बात का, चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल हटके है, इसमें एक्सपेरिमेंट का कोई लेना देना नहीं है। मैं सोचा इस वीडियो को पता नहीं बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ये दिखाऊंगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो देर किस बात का, चलो फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं अब वो क्या चीज़ बनकर तैयार हुआ है। गाइज, आपके साथ हाजिर है वो गाड़ी जिसको हमने बताया था कि यह है 1980 मॉडल कमांडर थार जो जीप हुआ करती है, वो मॉडिफाई होकर कुछ इस तरह से बनी है। हम इसका पूरा रिव्यू आपको दिखाने वाले हैं और हम ज़्यादा आपको बताएंगे नहीं, वीडियो में टाइम नहीं ख़राब करेंगे, क्योंकि मैं अभी नया क्रिएटर हूँ। मेरे नया क्रिएटर की वीडियो लोग ज़्यादा नहीं देखते, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं देखते, इसलिए मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ और बताता हूँ, ज़्यादा बड़ी मैं वीडियो नहीं करूँगा। और ये जो हमने दिखाया था आपको टाटा 407, ये है हमारा डीजे। मैं इसका भी आपको रिव्यू देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो गाइज, कुछ टाइम पहले हमने इसको घोड़ा बोला था और ये हमारे यहाँ सही में घोड़े का काम आता है। घोड़े का काम सही में इसलिए आता है कि इसमें जब शादियाँ होती हैं तो जो रथ नहीं होता शादियों में, वो रथ के काम आता है। और इसलिए हमें यहाँ, हमारे यहाँ इसको रथ बोलते हैं और इसको गाड़ी पर मॉडिफाई करके बनाया जाता है, इसलिए हमने आपको घोड़ा बोला था। इसको हमारे यहाँ रथ या फिर सिंहासन कहते हैं। और ये वीडियो कहाँ जहाँ जहाँ तक जा रही है, आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि आपके यहाँ ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है, कि आपके यहाँ अभी भी घोड़ा या घोड़े का रथ ही प्रयोग में करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ इस तरह का भी शादी में चलाते हैं और घोड़े का भी प्रयोग करते हैं। गाइज यार, रात में जब इसमें लाइटें लगती हैं और जब ये सजाया जाता है ना, तो देखने का नज़ारा
देखने में कुछ अलग ही नज़ारा होता है। तो आगे का इसके लिए आपको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना पड़ेगा कि आप क्या आगे की वीडियो देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते। और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि डीजे कैसे बजता है और शादियों में कैसे होता है, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो गाइज मुझे उम्मीद है आपको वीडियो देखकर मज़ा ज़रूर आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ा सा मेरा भी सपोर्ट कर दीजिए ना। तो गाइज यार अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर इस पे मैं कहता हूँ अगर 100 लाइक आ गए तो मैं इस वीडियो में शादी में जब ये जाता है इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, अब अभी ये ऐसे ही नहीं रहेगा, अभी और ये इसमें सजावट होती है और सजाए जाते हैं और डीजे कैसे बजता है, हम आपको सारा कुछ दिखाएंगे। तब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, अपना ध्यान रखना।